मजबूरियां, कुछ ना करने की मजबूरी, अपने एम तक पहुंचने की ना मजबूरी। क्या आपको कभी किसी तरीके की मजबूरी फील हुई है जिसकी वजह से आपने अपना एम गिव अप कर दिया हो, अपने लक्ष्य तक ना पहुंच पाए हो, या फिर आपने अपने करियर के बारे में कभी सोचा ही ना हो? दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं रोहित कुमार बैश आपके सामने बहुत ही एक इंटरेस्टिंग और थोड़ी सी हार्ट टचिंग वीडियो लेके आया हूँ। इस वीडियो के माध्यम से मैंने बहुत लोगों से क्वेश्चन करना चाहूँगा कि जब मैं इस वीडियो को बना रहा था, उससे पहले 3 से 4 दिन मैंने रोडों पे ऐसी ऐसी जगह पे जा करके बात की है लोगों से, जैसे कि आइसक्रीम की रेहड़ी, गन्ने जूस का जो एक कार्ट होता है उस पर, सब्जी वालों से, जहाँ जहाँ ऐसे कार्ट के ऊपर मुझे 15-16 साल का लड़का दिखाई दिया, तो उससे मैंने सिर्फ जा करके एक ही चीज़ पूछी कि क्या आपने आगे पढ़ाई नहीं की, क्या आप बहुत जल्दी कमाने लग गए, और अगर आपने पढ़ाई की नहीं तो क्या रीज़न था। तो मुझे एक कॉमन, इन सभी लोगों से मिल करके एक कॉमन शब्द समझ में आया, मजबूरियाँ। दोस्तों, मजबूरी एक ऐसी चीज़ होती है जो किसी भी तरीके से आपकी लाइफ में आ सकती है। ज़रूरी नहीं कि आप पढ़ ना पाओ, ये मजबूरी। कई बार आपके हाथ बंधे होते हैं कुछ करने के लिए और आप किसी कारणवश वो काम नहीं कर पाते हैं, जिसको हम मजबूरी कहते हैं। दोस्तों, जब मैं ये 3 से 4 दिन का सर्वे कर रहा था, उसमें मुझे कुछ ऐसे पॉइंट समझ में आए कि जो इस कार्ट पे, जूस के कार्ट पे, सब्जी के कार्ट पे, आइसक्रीम की रेहड़ी पे, या फिर ऐसी जगह पे जो बच्चे 16-17 साल के लगे होते हैं, उनसे मैंने सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा कि आपने आगे पढ़ाई क्यों नहीं करी। तो उन्होंने, किसी ने बताया कि मेरे फादर जल्दी एक्सपायर हो गए, किसी ने बताया मेरी मदर नहीं थी, किसी ने बताया कि मेरे घर में कोई अर्निंग सोर्स नहीं है, किसी ने बताया कि मेरे घर वाले जो है गाँव में रहते हैं, किसी ने बताया कि मैं अनाथ हूँ, किसी ने बताया कि किसी भी वजह से जल्दी अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए मैंने काम करना स्टार्ट कर दिया। और काम क्या, दिन भर की जो दिहाड़ी मजदूरी होती है 300 से 500 रुपये, अगर मैं पूरे महीने की बात करूं तो 8-9 हज़ार रुपये की सैलरी पे वो काम कर रहे हैं, जिसमें यहाँ से वो 8,000 रुपये लेके जाते हैं और एक रूम के अंदर कम से कम 5-5, 6-6 लोग रहते हैं, और वो किस तरीके से अपने जीवन यापन करते हैं ये आप सोच सकते हैं, और साथ ही साथ वो किन मजबूरियों के साथ अपनी लाइफ को काट रहे हैं, अपनी जवानी को बर्बाद कर रहे हैं, अपने उस स्टेज को ख़राब कर रहे हैं जिस स्टेज पे इंसान को कुछ करना होता है। सो दोस्तों, ऐसे ही लोगों के लिए कुछ सीख लेके आया हूँ जो आपको यहाँ पे समझनी चाहिए। दोस्तों, आपके पास मजबूरी कुछ भी हो, कई बार कैसा क्या होता है कि हम मजबूरी का बहाना लगा करके अपने ऊंची उड़ानों को रोक देते हैं, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि मेहनत कौन करे, बस ऐसे ही चलते हैं, कमा लेंगे 8-9 हज़ार 10 हज़ार रुपये और ऐसी ही ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन जो इंसान अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहता है, वो इन छोटी छोटी बातों से नहीं डरता है और वो ऐसी ही जगह से उठ करके एक बड़े लेवल पर पहुंच जाता है। बट शर्त सिर्फ इतनी है कि आप में करने का कितना जज्बा है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अगर आपके अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड है अपने उस काम को करने के लिए जिसकी आप सोच रखते हैं, आप रोडों पे बहुत अच्छी अच्छी गाड़ियाँ, घर देखते हैं, तो आपको ये फील होता है कि काश ये चीज़ मेरे पास होनी चाहिए। लेकिन पास उन्हीं की होती है जो उसको अपने पास लाने का जज्बा रखते हैं। तो ऐसे उन्हीं लोगों के लिए मेरी 5 एडवाइस है। सबसे पहला, अपने अप्रोच को बिल्कुल पॉजिटिव रखें, अपने करंट सिचुएशन को बिल्कुल भी ये ना सोचें कि मेरी करंट सिचुएशन इस तरीके की है तो मैं अपनी लाइफ में कुछ बड़ा नहीं कर सकता हूँ। आपको आज एक चीज़ बता दूँ बहुत फैक्चुअल, कि या तो बहुत गरीब, जो कि जिसके पास 2 वक्त की रोटी खाने का पैसा नहीं होता, या बहुत अमीर, ये 2 लोग होते हैं जो दुनिया पर राज कर लेते हैं। मिडिल क्लास एक मिडिल ट्रैप में फंसा रहता है, वो अपनी नौकरी भी करना चाहता है, कंटेंट क्रिएट भी करना चाहता है, बिजनेस भी करना चाहता है, बट वो एट द एंड कुछ भी नहीं कर पाता, विच इज़ रियलिटी। तो अपनी इन छोटी छोटी चीज़ों को सोचते हुए, समझते हुए, पहला तो आपको पॉजिटिव अप्रोच रखनी है किसी भी एम को रखने के लिए, दूसरा डाउट नहीं रखना है। डाउट क्या, कि मैं क्या BMW में घूम सकता हूँ, ऑडी में घूम सकता हूँ, मतलब ये ले सकता हूँ। तो उस केस में कई बार जब मैंने ये सर्वे किया तो मैंने किसी से पूछा कि अगर तेरे पास ये वाली कार आ जाए, तो उनका एक ही अप्रोच थी कि सर भैया नहीं आ पाएगी,
हम इतना नहीं कमाते और हम नहीं ले पाएंगे। तो अगर वो इंसान ये बोल दे, या उनमें से एक इंसान ने मुझे बोला सर मुझे 15 साल लगेंगे मैं ये लेके रहूँगा, तो अपने अप्रोच को पॉजिटिव रखिए। दूसरा, अपनी हंगर को क्रिएट रखिए, ये हंगर बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, नेगेटिव लोगों से बिल्कुल दूरी बना के रखें, क्योंकि आप ही के कस्बे से, आप ही के गांव से साथ में आपके लोग आते हैं जो नेगेटिव अप्रोच में फंस जाते हैं, और उसी नेगेटिव अप्रोच के साथ साथ वो आपके साथ भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, जिसमें आप उनके रंग में रंग जाते हैं। चौथा पॉइंट आपको ये समझना है कि अपनी पढ़ाई को कभी भी ना छोड़ें, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है पूरे दिन में आप एक आध घंटा अपनी पढ़ाई की तरफ ध्यान दे सकते हैं। आज की डेट में काफ़ी सारे ऑनलाइन साइट्स हैं, सोशल मीडिया है, क्योंकि आज की डेट में बहुत लोग अपना काफ़ी सारा समय शॉर्ट्स वीडियो को देखने में लगाते हैं, मतलब वो कंटेंट कंज्यूम करते हैं, बट वो ऐसे चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे कि डे बाय डे कुछ ना कुछ उनकी नॉलेज बढ़े। पाँचवा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि दोस्तों, छोटा वही होता है जिसकी सोच छोटी होती है। अगर गरीब इंसान, छोटा इंसान अगर सोच रख लेना बड़ों की, तो वो धीरू भाई अंबानी बन सकता है, क्योंकि धीरू भाई अंबानी की सैलरी सिर्फ 250 रुपये थी उस ज़माने में जब उन्होंने अपने करियर को स्टार्ट किया था, और उन्होंने पहली सैलरी 250 रुपये की एक 5-स्टार होटल में जाकर के चाय पी थी, जिस समय 250 रुपये की वैल्यू ऑलमोस्ट 25,000 हुआ करती थी। उनकी अप्रोच यही थी कि ये जो बड़े और अमीर लोग हैं, इनकी सोच क्या रहती है, इनका दिमाग क्या कहता है। तो आपको सिर्फ यही चीज़ समझाना चाह रहा हूँ कि अपनी अप्रोच को हमेशा बड़ा रखें, अपनी महत्वाकांक्षाओं को हमेशा बड़ा रखें, और आप अपनी ज़िंदगी में किसी भी लेवल पर जीत सकते हैं। तो मजबूरियाँ कहने के लिए मजबूरियाँ होती हैं, लेकिन अगर आपने इनको हटा दिया तो कोई भी मजबूरी नहीं बचती है। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में विद चिरायु पॉजिटिव। मैं आपका होस्ट रोहित कुमार वैश्य।